स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पहले तो पढ़ते हैं कि क्या होती है। सेंटेंस के एंड में या तो आथा लगेगा या ई थी या ए थे, और ये अकेले भी हो सकते हैं, यानी कि था, थी, थे, पीछे नहीं भी हो सकते। जैसे एग्जांपल के लिए खाया था, सुनी थी, गए थे। तो खाया था की जगह अकेला ये भी आ सकता है, मैंने खाना खाया, मैंने उसकी बात सुनी, हम फुटबॉल का मैच देखने गए। ज़रूरी नहीं कि पीछे था, थी, थे लगाई हो, पर अगर पहचान रखनी है तो यहाँ से रखेंगे कि आ, ई या ए की आवाज़ आती है। तीन तरह के होते हैं सेंटेंस, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें सिंपल कोई यस, सिर्फ यस में बात बताई हो, नो या क्वेश्चन मार्क में नहीं होता, नेगेटिव में नो में, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क में। अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनेट में, अफर्मेटिव में क्या लगता है, वो लिखती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब, हमने थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब रीड किए हैं, पढ़े हुए हैं, पे, पेड, पेड, कैच, कोट, कोट, रीड, रेड, रेड, डू, डिड, डन, हिट, हिट, हिट। उसमें जो सेकंड वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे हमने कल ये भी पढ़ा था कि हमारे पास सेवन पर्सन होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। हमने जो पहले रूल किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट में, वहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, जिसकी वजह से हमें इसको कैटेगराइज करना पड़ा था। हमें देखना पड़ा था कि आई वी यू दे और ही शीट किसके साथ लगेगा। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो जितने भी सेवन के सेवन पर्सन है सबके साथ क्या लग जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने खाना खाया, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैंने मतलब आए, खाना खाया की इंग्लिश क्या होती है, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ईट, एट, ईटन, तो एट लगा दिया, आई एट खाना, द फूड, आई एट द फूड। अगर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हो पास्ट इंडेफिनेट के साथ, तो सबसे पहले हैं द बॉयज फ्लाई द काइट्स, फ्लाई ब्रैकेट में दिया है, ये वर्ब है। पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लू, फ्लोन, सेकेंड फॉर्म आ गई फ्लू, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्लू। शी ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक पास्ट इंडेफिनेट सेकेंड फॉर्म, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहाँ पे लग गई ड्रैंक। आई सिंग अ सॉन्ग, सिंग, सैंग, तो यहाँ पे बब की सेकेंड फॉर्म सिंग की क्या लग गई, सैंग, क्योंकि सिंग, सैंग, संग होता है। अब नेगेटिव, नेगेटिव में कैसे करना है, डिड नॉट प्लस बब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी हमें, यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे पास सेंटेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैंने पानी नहीं पिया, जहाँ पर नहीं आ गया और पिया आ गया, मींस टू से कि यहाँ पर आवाज़ हमें समझ में आ गई, आ की आ रही है, तो इट मींस कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस को यूज़ करेंगे हम लोग डिड नॉट लगाकर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर। यही ये भी क्या होगा, इसमें भी कोई हमने बांटना नहीं है किसी में, इसमें भी सेवन के सेवन पर्सन में ये सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब ईट, ड्रिंक, सिंग, रीड, प्रे, कैच, प्ले, एट्सेट्रा। और इसका अगर हम सेंटेंस देखें, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने मतलब आए, नहीं पिया, तो लग गया डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पीने की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, ड्रिंक, इंग्लिश होगी ड्रिंक, आई डिडंट ड्रिंक पानी द वाटर, आई डिडंट ड्रिंक द वाटर। अब इसको नेगेटिव फॉर्म में अगर फिल करना हो तो कैसे करेंगे, यू डैश टू स्कूल यस्टरडे, गो, हमने नेगेटिव फॉर्म में लगाना है। हमें पता है पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव में लगता है डिड नॉट, हमने क्या किया यहाँ पे क्या लगाया, यू डिड नॉट, साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट, यहाँ पे क्या है फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो गो का गो ही आ जाएगा, यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। सेम ऐसे ही होगा, आई प्ले अ मैच, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में लगता है आई डिड नॉट प्ले अ मैच। यहाँ इसका ये फायदा हुआ है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ यहाँ पर लग जाएगी। शी डिड नॉट सॉल्व द सम्स। अब आ गया इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो सारे के सारे पर्सन के साथ सेम थी, ऐसे ये भी सारे के सारे पर्सन के साथ सेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी का मतलब होता है पियन, और घंटी बजाई, यहाँ पर सिर्फ ई की आवाज़ आ रही है, पीछे था, थी, थे नहीं लगा है, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट है।
तो पास्ट इंडेफिनेट में क्वेश्चन मार्क में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। घंटी बजाना का मतलब होता है रिंग द बेल, तो हमने क्या किया, डिड द पियन रिंग द बेल। घंटी का मतलब बेल आ गया, घंटी बजाने का मतलब रिंग करना बेल को, तो यहाँ पे आ गया डिड द पियन रिंग द बेल। ऐसे हम ये सारे करेंगे। डैश दे डैश यू, पहले तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनेट है, डिड लगेगा, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड। डिड दे हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, हमने वो लगा दी डिड दे हेल्प यू। यहाँ पे भी सेम, डिड यू प्रिपेयर द टेस्ट, डिड शी सिंग अ सॉन्ग। सो बेसिकली ये बहुत ही इजी है, हमें ये याद रखना है कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है, सिर्फ सेकंड फॉर्म। उसके बाद नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब सेकंड की जगह लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आ जाएगा डिड नॉट। इंटरोगेटिव में लगेगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में लगेगा क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटरोगेशन मार्क। तो आप इसको अच्छे समझ लेना, इससे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।